ग्वालियर जिले में डेंगू का डंक तीखा प्रहार कर रहा है। बात करें शहर की तो बुधवार को जारी ताजा आंकड़ों में ग्वालियर और उसके आसपास के जिलों से गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में 142 संदिग्ध मरीजों की जांच की गई थी, जिसमें 57 मरीज डेंगू पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें से ग्वालियर जिले के 38 मरीज शामिल हैं। जिले में डेंगू से पीड़ित मरीजों का आंकड़ा अब तक 412 पर पहुंच गया है, जिसमें 222 बच्चे भी डेंगू पीड़ितों में शामिल हैं। वहीं शहर में सबसे ज्यादा मरीज महाराजपुरा, दीनदयाल नगर, पिंटू पार्क इलाकों से आ रहे हैं, जहां से करीब 100 मरीज सामने आ चुके हैं। ऐसे में स्वास्थ्य महकमा डेंगू की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों का दम भर रहा है। बेड की कोई कमी नहीं है, बेड हमारे पास बहुत पर्याप्त मात्रा में बेड उपलब्ध है। हमारे में GHP पे भी है, तो हमारे जिला अस्पताल और जिला अस्पताल में भी, प्लस अभी ग्रामीण में भी हमने व्यवस्था कर दी है। वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बेड उपलब्ध है। और डेंगू के केस जो थे कल तक का हमारा फिगर था 343 हो चुके थे, और इसी के अनुपात में हम लोगों ने अपनी जो फील्ड वर्कर की संख्या भी बढ़ा दी है। और अभी कल ही हमारे आज सुबह की दोपहर में भोपाल से भी टीम वापस लौटी है, हमने भी निर्देश दिए गए, पूरी टीम की गाइडेंस करी है, पूरा मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं और बिल्कुल इसको कंट्रोल में ले आएंगे।